हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज दो इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हो सकती हैं आज के न्यूज़पेपर से। एक तो आजकल पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं प्रिविलेज मोशन की बात बहुत हो रही है, चाहे वो विधानसभाओं में हो या लोकसभा में या पार्लियामेंट में हो, बहुत सारे प्रिविलेज मोशन की बात आ रही है। यस्टरडे ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनिशिएटेड ए प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट शशि थरूर। ऐसे ही कुछ दिन पहले टीएमसी की एक मेंबर ने हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन रेस के लिए नोटिस दे दिया था। तो ये प्रिविलेज मोशन बहुत ज़्यादा अखबार में आ रहा है, तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। प्रिविलेज मोशन क्यों कहते हैं प्रिविलेज मोशन, कल का लेक्चर आपने सुना हो। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए एमएलसीज हो, इनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं संविधान के तहत आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 194 में। विशेष अधिकार के तहत इनको ये अधिकार है कि ये इसलिए विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि जो इनका फंक्शन है एज जनता के नुमाइंदे, जो इनका फंक्शन है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, उसे ये ठीक से निभा पाएँ ताकि जनता की बात वहाँ तक पहुँचे और जनता के प्रश्न या जनता की प्रॉब्लम्स को सामने रखें और पार्लियामेंट को होने का जो उद्देश्य है वो संवैधानिक तौर पर पूरा हो पाए। इसलिए वो फंक्शन करते हुए हमारे जो मेंबर्स वगैरह हैं, इनके फंक्शन के बीच में कुछ भी आड़े ना आए ताकि वो फंक्शन बेस्ट हो जाए, इसलिए इनको संविधान ने कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में डिबेट करते समय, वोट करते समय किसी और एक्स्ट्रानियस इन्फ्लुएंस के अंदर ना आए, वो खुलकर अपने विचार सामने रखे। जब तक डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी अपना पूरा रंग दिखा नहीं पाएगी, पूरा फल दे नहीं पाएगी, इसलिए उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसीलिए उनको अगर उनके पार्लियामेंट आने पे या उनके जो संवैधानिक फंक्शन के बीच में कोई रोक लगाता है तो वो भी उनका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाता है। मतलब इन विशेष अधिकारों का हनन जैसे भी होगा वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहलाता है। तो ये पार्लियामेंटेरियंस के जो विशेष अधिकार हैं, ये दो तरीके से इनको अवेलेबल होते हैं। एक तो इंडिविजुअली होते हैं व्यक्तिगत तौर पे मेंबर होने के तौर पे, और एक हाउस पे कलेक्टिवली होते हैं। मतलब कुछ अधिकार तो हाउस को कलेक्टिवली है कि हाउस अपनी डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एक्शन ले सकता है। कोई भी पार्लियामेंट के खिलाफ ऐसे ही नहीं बोल सकता कि पार्लियामेंट में ये होता है या ये नहीं होता है, पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो इस तरीके के लोग हैं, पार्लियामेंट के डिग्निटी डाउन कोई नहीं कर सकता। या पार्लियामेंट का नोटिस निकला हो या आदेश निकला हो उसकी अवमानना कर दे कोई तो हो सकता है। तो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट व्यक्तिगत तौर पे और कलेक्टिव तौर पे अपने अधिकारों को बचाने के लिए संविधान ने सक्षम बनाया है इनको, ये खुद अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, तभी पार्लियामेंट अपने फंक्शन ठीक से पूरे कर पाएगा। तो जब भी इन विशेष अधिकारों का कोई हनन करता है, वो हनन करने वाला मेंबर भी हो सकता है हाउस का और एक बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है जिसे स्ट्रेंजर कहते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो मेंबर ऑफ द हाउस कैन स्टार्ट द इशू ऑफ प्रिविलेज। तो प्रिविलेज मोशन ले आया जाता है, तो प्रिविलेज मोशन आता है तो एनी मेंबर कैन स्टार्ट आइदर हाउस, जिस भी हाउस में लाना चाहेगा वो प्रिविलेज मोशन ला सकता है। एंड ओबियसली वो एक नोटिस देगा स्पीकर को लोकसभा में और राज्यसभा के चेयरमैन को राज्यसभा में। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, नोटिस दिया जाएगा सुबह 10 बजे से पहले कि ये इशू खड़ी हो गई है और ये हमारे अधिकारों का हनन है, मेंबर ने किया है, शशि थरूर ने किया है या इन्होंने किया है या हेल्थ मिनिस्टर ने किया, हेल्थ मिनिस्टर ने सही रिपोर्ट नहीं दी है, उन्होंने बोला है कि ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई है जबकि और डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स कह रही हैं ऑक्सीजन से डेथ हुई है। इसका मतलब गुमराह किया है सदन को, भारत की जनता को हेल्थ मिनिस्टर ने गुमराह किया है, सदन को सही बात नहीं बताई है। सदन को सच जानने का विशेष अधिकार है संविधान की तरफ से, इसलिए इस तरीके के इशू आते हैं तो कोई भी अपने ग्राउंड पर ये नोटिस ला सकता है स्पीकर और चेयरमैन के सामने। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ प्रिविलेज मोशन। अब इनके पास ये अधिकार है कि ये इसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसी इशू है। इशू एक तो डेफिनेट पब्लिक इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए और इमीडिएट कंसर्न की होनी चाहिए, बहुत पुराना मैटर लाना संभव यूजुअली नहीं होता है, इमीडिएट कंसर्न की होनी चाहिए और डेफिनेट मैटर होना चाहिए। तो स्पीकर चेयरमैन पहले ही चेक कर लेते हैं कि ये मोशन सस्टेनेबल है या नहीं है, नोटिस सस्टेनेबल है या नहीं है। तो पहले वही, उनके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहें तो नोटिस को एक्सेप्ट, अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसमें दम है, वजन है, तो वो नोटिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं।
और दे कैन आइदर टेक अ डिसीजन ऑन द प्रिविलेज मोशन और कैन रिफर इट टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस. तो वंस द स्पीकर और द हाउस चेयरमैन गिव्स कंसेंट अंडर रूल 22, लोकसभा का चेयरमैन के पास रूल नंबर दो, लोकसभा के स्पीकर के पास रूल नंबर 222 है और राज्यसभा के चेयरमैन के पास रूल नंबर 187 है. राज्यसभा के लिए नंबर रूल है 187. इसके तहत ये मेंबर को अधिकार दे सकते हैं कि आप अपने इस पे विचार रखिए, जो भी आपके खिलाफ ये आया है इस तरीके से चलाया जा सकता है, या जो प्रिविलेज कमेटी होती है दोनों हाउसेज में उनको भी रेफर कर सकते हैं. लेकिन ऐसा करने से पहले स्पीकर या चेयरमैन बोलेंगे उस मेंबर को, आप लीव ऑफ द हाउस लीजिए. मैंने आपको बताया था लीव ऑफ द हाउस ली जाती है, जैसे एडजर्नमेंट मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था लीव ऑफ द हाउस ली जाती है, तो आप हाउस की लीव लीजिए. तो अगर 25 मेंबर अपनी सीट पर राइज हो जाते हैं तो वह कहलाती है लीव ऑफ द हाउस. तो प्रिविलेज मोशन के एडमिट होने के लिए कम से कम 25 मेंबर हाँ भरे, मतलब हाँ 25 मेंबर समझते हैं कि हाँ ये मोशन एडमिसिबल है, यस प्रिविलेज क्या हमारे विशेष अधिकार का हनन हुआ है. अगर ये 25 नंबर नहीं है तो मोशन एडमिट नहीं होगा. पहले तो स्पीकर ही हटा सकते हैं, या फिर अगर लगता है कि इसमें वजन है तो वो मोशन लीव ग्रांट हो जाएगी. लीव ग्रांट हो जाएगी तो वो चाहे तो सदन में डिस्कशन करके भी ख़त्म कर सकते हैं, या और कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को भी भेज सकते हैं. फिर कमेटी ऑफ प्रिविलेज हुआ करती है, लोकसभा में 15 मेंबर्स की है, राज्यसभा में 10 मेंबर्स की हुआ करती है. कमेटी ऑफ प्रिविलेज फिर उस पर इन्वेस्टिगेट करती है, अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के बेस पे फिर सदन एक्शन ले सकता है, पनिशमेंट तक दे सकता है. मतलब ये जो हाउसेस हैं ये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुद सक्षम हैं, ये बिल्कुल क्वाशी जुडिशियल बॉडीज कहलाते हैं. मतलब स्पीकर चेयरमैन अगर इंस्टीट्यूशन के तौर पे माने, अगर ये संस्थाएं माने तो इनको विशेष अधिकार है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मेंबर्स को एक्सपेल तक कर सकते हैं, स्ट्रेंजर्स को जेल तक दे सकते हैं, कुछ सिम्बॉलिक जेल भी दे सकते हैं कि आपने हाउस के रिपोर्ट के अनुसार आपने हाउस के अधिकारों का हनन किया है, इसलिए आपको 10 दिन की जेल दी जाती है. ऐसा पास्ट में 1960s में हुआ भी है कि जेल भी दी गई है. यूजुअली ऐसा कम होता है, बट ऐसा अधिकार है अपने सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसके डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वो चाहें तो पनिशमेंट तक भी दे सकते हैं. तो ये होता है प्रिविलेज मोशन. बड़ा फेमस इंसिडेंट है इंदिरा गांधी का 1978 में, उनको हाउस से एक्सपेल कर दिया गया था फॉर वॉट एवर शी हैड डन इन इमरजेंसी, जो गलत फैसले लिए थे, तो शी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम हाउस. सिमिलरली सुब्रमण्यम स्वामी वॉज ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम हाउस 1976. उन्होंने जो फॉरेन पब्लिकेशंस को स्टेटमेंट दिया दे दी थी, मीडिया को बोल दिया था. तो मतलब हाउस की कोई बात जब तक हाउस अलाउ नहीं करेगा आप हाउस के बाहर रख नहीं सकते, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते जब तक हाउस अलाउ नहीं करेगा या हाउस के नियम अलाउ ना करते हो. तो वे कई तरीके से हाउस की अवमानना हो सकती है. तो ऐसे ये प्रिविलेज मोशन आता है, एक्सेप्ट हो जाएगा तो मेंबर को हाउस से सस्पेंड भी कर सकते हैं. तो किसी भी तरीके से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट को फंक्शन करने से कोई रोकेगा तो वो सदन की अवमानना कहलाती है. उनके नोटिस को, उनके ऑर्डर को कोई नहीं मानेगा, या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उनकी ड्यूटी करने से कोई रोकेगा तो वो हाउस की अवमानना कहलाती है, मेंबर का विशेष अधिकार कहलाता है. तो ये होते हैं, ये इशू होती है प्रिविलेज मोशन की. हमारा मकसद इस वीडियो में प्रिविलेज मोशन डिस्कस करना है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस क्या हैं वो हम अलग वीडियो में कर लेंगे. तो प्रिविलेज मोशन ये होता है कि कोई भी मेंबर जिसे लगता है कि प्रिविलेज का हनन हुआ है वो नोटिस ला सकता है. स्पीकर चेयरमैन नोटिस को देखेंगे, खुद ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे, नहीं ये सही नहीं है, या फिर लीव ऑफ द हाउस ग्रांट लेंगे, उसमें 25 मेंबर होने चाहिए. कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को भेज सकते हैं, उसके बेस पे आदेश दे सकते हैं कि जेल हो जाए या सज़ा दी जाए, पनिशमेंट दी जाए. ऐसे कई सारे इश्यूज हो सकते हैं. इवन न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस वगैरह हैं वो भी ऐसा कुछ लिख नहीं सकते हैं सदन के खिलाफ जो सदन में हुआ नहीं है. मतलब सदन की बातों को वो मोड़ तरोड़ के, तोड़ मरोड़ के लिख दें तो वो भी सदन की अवमानना माना जाता है. तो दिस इज दिस थिंग कॉल्ड प्रिविलेज मोशन. तो ये चर्चा में बहुत ज़्यादा था प्रिविलेज मोशन. तो इट इज़ पार्ट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा का रूल नंबर 222 है, राज्यसभा का रूल नंबर 187 है. दूसरी इशू है कि एक छोटी सी इशू है कि वैक्सीनेशन को कंपलसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इस पर एक इम्पॉर्टेंट राइटअप आया है जो रिफ्लेक्ट अपॉन करता है कुछ इशूज़ पर. इन द रजिस्ट्रार जनरल वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय
मेघालय सरकार ने आदेश दे दिए थे कि कुछ लोगों को जब तक वो वैक्सीनेशन पूरा नहीं कराएंगे तब तक उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट रूल दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्डर रिक्वायरिंग शॉपकीपर्स लोकल टैक्सी ड्राइवर्स एंड अदर्स टू गेट वैक्सीनेटेड बिफोर दे कैन रिज्यूम देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज वायलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी। राज्य सरकार ने आदेश दिए थे ऐसा आपको करना पड़ेगा, हाई कोर्ट ने कह दिया ये उनका राइट टू प्राइवेसी राइट टू लिबर्टी के अगेंस्ट है, इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है, ऐसा आदेश सरकारें नहीं दे सकती हैं, ये उन्होंने कह दिया। कोर्ट की रीजनिंग ये रही है कि लोगों का फंडामेंटल राइट है और पुट्टा स्वामी केस में बॉडिली ऑटोनॉमी बॉडिली इंटीग्रिटी के लिए लोगों के पास एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाए। उन्होंने इसका सहारा भी लिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वहाँ भी लिखा हुआ है कि ये जो वैक्सीन लगवाना ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, लोग चाहें तो लगवाएं ना चाहें तो ना लगवाएं, इसका सहारा उन्होंने लिया है। लेकिन कंपल्सरी वैक्सीनेशन का एक इस आर्टिकल के अनुसार पास्ट भी रहा है, कंपल्सरी वैक्सीनेशन हैज़ ऑफन बीन डिप्लॉयड इन इंडिया एंड अब्रॉड, द वैक्सीनेशन एक्ट 1880 अलाउड द गवर्नमेंट टू मैंडेट स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन अमंग चिल्ड्रन इन सिलेक्ट एरियाज, जहाँ इंसिडेंस ज़्यादा था वहाँ उन्होंने कंपल्सरली कराया भी किया है कराया है। और विदेशों में भी और देशों में भी ऐसे कई सारे हैं जहाँ पर कंपल्सरी वैक्सीनेशन इस्तेमाल हुआ है। द लॉज इन फ्रांस हंगरी इटली अमंग अदर्स शो दैट द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव वैलिडेटेड कंपल्सरी वैक्सीनेशन रूल दैट इट हैज़ ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो मतलब ये एक लॉजिक है कि और देशों में इसे कंपल्सरी किया गया है और यहाँ पर एक हाई कोर्ट ने इसे बोला कि कंपल्सरी नहीं हो सकता है। इस विषय में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं सामने कि कैसे ये कंपल्सरी करना उचित होगा। पहला तो ये कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 कि रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू प्राइवेसी कैन जस्टिफाइड इफ इट पासिस थ्री प्रॉन्ग टेस्ट। कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, हर अधिकार रिस्ट्रिक्शन के सब्जेक्ट होता है, मतलब अधिकार जो है प्रतिबंधित भी किए जा सकते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी एक एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन जस्टिस पुट्टा स्वामी के अनुसार जो प्रतिबंध जो लगाए जाएंगे वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखे जाएं, अगर वो फुलफिल होते हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, नहीं होते तो नहीं लगा सकते। तो पहला पॉइंट ये है कि एक तो रिस्ट्रिक्शन लॉफुल होनी चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्शन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, एक लॉफुल लीगल होनी चाहिए, लॉ बैक्ड होनी चाहिए कि लॉ कहता है कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा एपिडेमिक एक्ट जो 1897 का है ये अलाउ करता है स्टेट्स को टू प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक डिजीज। तो पहला तो एपिडेमिक एक्ट 1897 है जिसके तहत अधिकार है सरकारों को वो कि वो ऐसे आदेश दे सकती हैं कि जिससे इसे कंपलसरी कर सकते हैं। तो एक तो एपिडेमिक एक्ट का लीगल बेस हो गया, इस बेस पे कंपलसरी कर सकते हैं। दूसरा कहने का मतलब है कि जो रिस्ट्रिक्शन जो कंपलसरी करने की जो उद्देश्य है कंपलसरी कराया जा रहा है उसका और जो रिस्ट्रिक्शन है उसका लेजिटिमेट एम होना चाहिए, मतलब अगर वैक्सीनेशन कंपलसरी कराया जा रहा है और सबके लिए ज़रूरी है तो वो जो उद्देश्य है उसके और जो कंपल्शन किया जा रहा है इसके बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, लॉजिकल तालमेल होना चाहिए, वैलिड तालमेल होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो लेजिटिमेट एम होना चाहिए, कंपल्सरी वैक्सीनेशन परसूज द लेजिटिमेट एम ऑफ प्रोटेक्टिंग पब्लिक फ्रॉम कोविड-19। तो यस लेजिटिमेट एम भी है कि जनता को कोविड से बचाने के लिए कंपल्शन किया जा रहा है। और तीसरा लॉजिक इन्होंने दिया है कि जो कंपल्शन किया जा रहा है, जो राइट टू प्राइवेसी पर रिस्ट्रिक्शन है कि कंपल्शन कर रहे हैं, कंपल्शन किया जा रहा है और जो उसका उद्देश्य है उनके बीच में एक बहुत गहरा संबंध होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी भी होनी चाहिए, मतलब हम आपके अधिकारों पर कोई रोक लगा रहे हैं, उस रोक लगाने से कुछ फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा और रोक के बीच में एक अच्छा तालमेल भी होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन और ऑब्जेक्ट टू बी मेट के बीच में एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होना चाहिए। तो यस रिपोर्ट्स के अनुसार इतने लाख लोगों की डेथ हो गई है, इतने लाख लोग इसमें अफेक्ट हो गए थे, तो अगर हम लगाते हैं तो पीपल एज ए होल लार्ज नंबर विल बी बेनिफिटेड बाय दिस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू प्राइवेसी राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, तो वो भी फुलफिल होता है। तो इन तीन बेसिस पर कोई चाहे तो ऐसा वैलिड कर सकता है कि यस वैक्सीनेशन कैन बी मेड कंपलसरी। तो दिस इज द काउंटर लॉजिक अगेंस्ट द
तब मेघालय हाई कोर्ट डिसीजन की नो वैक्सीन कैन नॉट बी मेड कंपलसरी। तो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट कैन बी रेस्ड। पहला ये कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि रिस्ट्रिक्शन का एम लेजिटिमेट हो, यस इट इज़ गोइंग टू सेव पीपल फ्रॉम लार्ज यू कैन से प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड इज कि इतने बड़े स्तर की प्रॉब्लम हुई है तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो उससे फ़ायदा बहुत बड़ा होने वाला है। अगर तीन टेस्ट फुलफिल होते हैं तो किसी फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है एज पर द जजमेंट ऑफ पुट्टास्वामी केस। मतलब राइट टू प्राइवेसी पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो ये तीन टेस्ट हो सकते हैं, अदरवाइज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस स्मॉल इशू जहाँ पर कुछ पॉलिटी इन्वॉल्व हुआ करती है। तो चलिए, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारी कवर करना मुश्किल होता है, अगर करेंगे भी तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाता है, बट उसे किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि आपको कंप्लीटनेस में चीज़ें मिलने लगें। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट, होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस, आपके अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई शेल बी वेरी थैंकफुल, सपोर्ट कीजिए चैनल को आगे बढ़ने के लिए। हम बहुत अच्छे अच्छे एकेडमिक चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट।